लिखा जाए सबसे पहले क्या है ब्रेक। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट फ्रॉम लूपिंग स्टेटमेंट। This statement is used to terminate from looping a statement forcefully. जब आप forcefully terminate होना चाहते हैं तो हम लोग वहां पर क्या यूज करेंगे? ब्रेक कीवर्ड यूज करेंगे। जैसे मैंने जस्ट अभी कहा कि एक बार हम लोग लूप में इंटर कर जाते हैं तो बाहर हम तभी निकलेंगे जब कंडीशन हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होते रहेगा? रिपीट करते रहेगा। लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा कहीं रिक्वायरमेंट आएगा कि अब मुझे रिजल्ट मिल गया है, अब हम एक्स्ट्रा क्यों नंबर ऑफ इटरेशन को बढ़ाएंगे, इमिडिएटली हम लूप से क्या हो जाए? बाहर हो जाए। कैसे? अगर मान लो कि तुम 10 नंबर में सर्चिंग कर रहे हो या 20 नंबर में सर्चिंग कर रहे हो, एक लिस्ट बना हुआ है, उसमें 20 वैल्यू है, 20 वैल्यूज है, और थर्ड पोजीशन पे ही हमारा सर्चिंग फाउंड हो गया, तो आगे हम क्यों कंपेयर करेंगे? हम इमिडिएटली लूप से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में हम लोग किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? ब्रेक का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या सिंटेक्स होगा, कैसे इसको यूज करते हैं? सिंटेक्स इसका बस यहाँ पर ब्रेक जहाँ पे यूज करना है ब्रेक लिखोगे और सेमी कॉलन दोगे। एग्जाम्पल देखो बोर्ड में, पहले फोर आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू टेन, आई प्लस प्लस। ओके, इफ आई इक्वल टू फाइव, आई इक्वल टू फाइव, और यहाँ पर मैंने ब्रेक लिख दिया और प्रिंटेड परसेंट डी बैक स्लैश इन और आई मैंने लिख दिया। अब प्रश्न उठता है व्हाट विल बी आउटपुट? आप ही लोग कोई बताएं, कौन बताएंगे क्या आउटपुट आएगा? कुछ नहीं आएगा। क्यों? कौन बताएंगे? अब बताओ, वेरी गुड, तो आउटपुट कहाँ तक प्रिंट करेगा? 4 तक। ठीक है, यानी देखो तो यहाँ पे मैं ड्राई रन कर रहा हूँ, ध्यान देना, i का वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10। अगर लूप से टर्मिनेट होता, अगर हम ब्रेक यूज नहीं करते तब तो क्लियर है कि ये कंडीशन फॉल्स होता, तभी ना हम लूप से बाहर होते। लेकिन ऐसा यहाँ पे हो नहीं रहा है। आई इक्वल टू वन, वन लेस देन इक्वल टू टेन, यस कंडीशन ट्रू है, फोर का बॉडी एक्सक्यूट करेगा। वन इक्वल टू फाइव, कंडीशन क्या है? फॉल्स है, तो इफ का बॉडी एक्सक्यूट करेगा। इफ के अंदर एक स्टेटमेंट है कि दो स्टेटमेंट है, तुम बताओ? इस इफ के अंदर एक स्टेटमेंट है कि दो स्टेटमेंट है? दो स्टेटमेंट है, बैठिए, तुम बता सकती हो? इफ के अंदर एक स्टेटमेंट है कि दो स्टेटमेंट है? दो स्टेटमेंट है। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, तब जब दो स्टेटमेंट है तब यहाँ पे दो जब स्टेटमेंट है तब एक कंडीशन ट्रू होगा, तभी ना ब्रेक या आई का वैल्यू प्रिंट होगा। अगर इफ के अंदर दो स्टेटमेंट होता तब तो ये क्लियर है कि आई का, तब तो कुछ आउटपुट आएगा ही नहीं। इसमें बोलिए, इस कॉलम में कोई भी स्टूडेंट बताइए, इसमें कोई भी? हाँ, एक ही स्टेटमेंट है। कैसे? वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि ये ब्रेस पे नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, बैठिए, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस देना क्या है? मैंडेटरी है। एक रहेगा तो ऑप्शनल होता है। अगर इसके अंदर दो स्टेटमेंट होता तो स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस जरूर दिया हुआ रहता। आ रही बात समझ में? अगर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब तुम समझोगे कि इफ के अंदर क्या है, एक ही स्टेटमेंट है।
ये आई ये प्रिंटेड गिफ्ट के बाहर लिखा गया है, आई बात समझ में? तो चलिए आई का वैल्यू अभी वन आया है, वन लेस देन इक्वल टू टेन, यस कंडीशन ट्रू है, फोर का बॉडी एक्सक्यूट करेगा, वन इक्वल टू फाइव, तो ब्रेक तो नहीं ना मिला, लेकिन ये तो प्रिंट करेगा ना, तो आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा, फिर आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा, क्या होगा, टू, टू इक्वल टू फाइव, कंडीशन फॉल्स, आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, टू के केस में, थ्री के केस में, फोर के केस में, जब आई का वैल्यू फाइव हुआ, फिर यहाँ कंडीशन चेक होगा, फाइव इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू हो गया ना, और ब्रेक मिल गया, ब्रेक सीधे यहीं से क्या कर देगा, बाहर कर देगा, अरे बात समझ में, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, वन चलेगा, समझ गए? तो कोई भी आपसे पूछेगा कि सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन सी शार्प डॉट नेट में अगर लूप से टर्मिनेट करना है मुझे तो ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं, क्लियर? कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग यूज हो जाएगा, जब आप विजुअल बेसिक पढ़िएगा, वीवी डॉट नेट पढ़िएगा, तब वहां पे फॉर लूप से टर्मिनेट करने के लिए अलग है, एग्जिट फॉर है, व्हाइल लूप से टर्मिनेट करने के लिए अलग है, डू व्हाइल से टर्मिनेट करने के लिए अलग है, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। अब लिखा जाए कंटिन्यू के बारे में, अब लिखिए कंटिन्यू के बारे में, this statement is used to skip current iteration, current iteration after that After that, loop will continue. क्या करता है? ये करेंट इटरेशन को केवल स्किप करेगा, ठीक है? उसके बाद पुनः लूप हमारा क्या हो जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा। अगर सिंटेक्स, अगर हम यहाँ पे सिंटेक्स का बात करते हैं, तो उसी तरह से सिंटेक्स में क्या लिखोगे? कंटिन्यू, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा? कंटिन्यू। अब आपको बताना है व्हाट विल बी आउटपुट, पांच छोड़कर सब प्रिंट कर जाएगा। देखो तो ध्यान दो, वन प्रिंट करेगा, टू प्रिंट करेगा, थ्री प्रिंट करेगा, फोर, फाइव के केस में कंडीशन क्या हो गया? टू ना, तो कंटिन्यू अब रेस्ट पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। कंटिन्यू कहने का मतलब, ठीक है, सीधे आज रेस्ट पार्ट को स्किप करेगा और यहाँ से कंट्रोल को यहाँ पर भेज देगा। अरे बात समझ में, कहाँ पे भेजेगा? ये ब्रेक तो सीधे बाहर कर दे रहा था ना, कंटिन्यू क्या करेगा? अब नीचे का रेस्ट पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर देगा, लूप को यहीं से क्या कर देगा? कंटिन्यू कर देगा, आगे कर देगा। वाई का वैल्यू फाइव था, तो अब क्या हो जाएगा?
देखिए, तो केवल करेंट इटरेशन को ही नाश स्किप किया, करेंट कंडीशन को ही नाश स्किप किया, उसके बाद लूप क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। तो फाइव को छोड़कर सारा वैल्यू प्रिंट करेगा। अब आप ही बताइए, अगर मुझे इवेन नंबर का सीरीज प्रिंट कराना है जिसमें कंटिन्यू कीवर्ड यूज करना है, इवेन नंबर का सीरीज प्रिंट करना है 1 से लेकर 100 तक, तो जिस स्टूडेंट से पूछेंगे वही बताएंगे। यहाँ पे बोर्ड पे आप देखिए, 4i = 1, i < 100, i++। ओके, अब मुझे इफ कंडीशन देना है। मुझे, मैंने आपको पर्सपुली कह दिया कि कंटिन्यू कीवर्ड यूज करना है, कंटिन्यू कीवर्ड यूज करना है, और मुझे सीरीज चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए 2, 4, 6, 100। ओके, कौन कौन बताएंगे, हैंड रेज करें। वही है स्टूडेंट, 3। अब तुम बताओ, आई मोड, ए मोड, एन कहाँ है, ये तो आई है, आई मोड 2, double = 1, आगे यहाँ कंटिन्यू, वेरी गुड, बैठ जाइए। देखिए, अब मैं इसको समझा रहा हूँ, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, %d \i, यानी इवन सीरीज प्रिंट कराना है तो ऑड को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, ऑड को क्या करेंगे, स्किप। तो ऑड कब होगा, जब किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या मिलता है, 1, रिमाइंडर क्या मिलता है, 1। ऑलरेडी आप जानते हैं कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कीजिएगा, अगर वो नंबर इवन होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर ऑड होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 वाले नंबर को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्किप कर दिया, यानी केवल इवन के केस में मैसेज आए, ठीक है। इसके जगह पर ये भी कंडीशन हो सकता है, i > 2 ≠ 0, क्या आएगा, ≠ 0। ओके, अब आप देख लीजिए ट्राई रन करके, i का वैल्यू 1 है, 1 स्किप करना चाहिए ना, 1 नहीं ना प्रिंट होना चाहिए। चलो, 1 > 100, कंडीशन 2 है, 4 का बड़ी स्किप करेगा। अब यहाँ पे आओ चेक करो, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, राइट, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 ही ना मिलेगा, भाग नहीं लगेगा तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, कंडीशन 2 है, क्या मिल गया, कंटिन्यू, यानी कंडीशन 2 है कंटिन्यू, क्या i के वैल्यू को प्रिंट होने देगा, सीधे कहाँ भेजेगा, लूप के पास, i का वैल्यू 2 होगा, फिर कंडीशन चेक हुआ, यस कंडीशन 2 है। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ना मिलेगा, और यहाँ 1 है, तो कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, क्या इस बार कंटिन्यू मिलेगा, तो क्या i का वैल्यू 2 प्रिंट करेगा, समझ गए, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यू। देख लिए, अब लिखा जाए गो टू के बारे में,
तो ध्यान दीजिए सभी लोग, अभी तक आप ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? लूपिंग अ स्टेटमेंट। ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराना है तो आप क्या यूज करते हो? लूपिंग अ स्टेटमेंट यूज करते हो, राइट। लेकिन उसका भी एक अल्टरनेटिव मेथड, और वही अल्टरनेटिव मेथड यहां पर क्या है? यानी यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड कंडीशन। यानी लूपिंग की तरह ही हम यहाँ पर भी ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट को रिपीट कराने के लिए क्या करेंगे? फॉर को यूज करेंगे। कहने का मतलब, जो भी प्रोग्राम अभी तक तुम लूपिंग से बनाए हो, सारे प्रोग्राम को तुम फॉर से बना रहे हो, अब उसके लूपिंग का एक ही फॉर दे रहे हो। लेकिन अब एडवांस लेवल का जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अब वो फॉर को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि फॉर से नहीं प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर से फॉर यूज करने से ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड हो चुका है। ये सब प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता था, ठीक है। तो अब इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन आप अगर C++ में गोटू सपोर्ट है तो आपको यहाँ पे जानना होगा केवल कि गोटू के कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे यूज करेंगे, ओके। तो आप अगर नेस्टेड लूप का जो प्रोग्राम बनाए हैं, अगर उसको आप गोटू से बनाइएगा तो प्रोग्राम का साइज भी बड़ा होगा, लेंथ बड़ा होगा गोटू के थ्रू बनाने से। लेकिन हम लोग को जानना होगा, यहाँ तक जानना होगा कि आप किसी भी प्रोग्राम को गोटू में कैसे कन्वर्ट कर दोगे। कोई अगर कहेगा कि किसी नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, सम ऑफ ऑल डिजिट बनाना है, जो भी लूपिंग पे तुम प्रोग्राम्स बनाए उसको आप आसानी से गोटू में बना सकते हो, ठीक है। तो गोटू का यही पर्पस। अब गोटू को कैसे यूज करते हैं वो हम लोग को यहाँ पर देखना है, लिखा जाए गोटू के बारे में। It is an alternative method of looping a statement. In this case, we can repeat top of a statement. We can repeat top of multiple times. आपको बेस पता चलेगा कि आप क्या जानते हैं। अरे बात समझ,
अब डायरेक्ट पाइथन से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि पार्ट सिलेबस और जो भी एडवांस पेपर स्टार्ट में हुआ आप आगे जाकर पूरे एडवांस सारा पाइथन पढ़ना होगा या कोर जावा सिलेबस में आप में एडवांस जावा का तो यहां पे एडवांस कोर्स भी चलेगा लेकिन उस चीज को जानना होगा मार्केट के अनुसार आपको चलना होगा तभी तो यहां पर एडवांस कोर्स इतना कराया जाता है ठीक है तो गोटू अब गोटू का हम लोग सिंटेक्स कैसे यूज करें इसका सिंटेक्स क्या होगा ध्यान दो देखिए मैंने बोला कि गो टू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करेगा लाइक लूपिंग स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं सिंटेक्स क्या होगा इसका सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक लेबल नेम डिफाइन करते हैं जो आइडेंटिफायर का रूल है लेबल नेम के बाद हम यहाँ पे कोलोन साइन यूज करते हैं ओके और यहाँ पे इफ कंडीशन हम देते हैं यहाँ पे लूपिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा मैंने इफ कंडीशन दिया यानी जो लूपिंग में आप कंडीशन देते थे ना किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को जब तक रिपीट कराना रहता था आप लूप में कंडीशन देते थे ना वही कंडीशन आपको यहां पर दे देना यानी लूपिंग वाला कंडीशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ओके कैसे स्टार्टिंग कर लेते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट्स को उनको बार बार रिपीट कराना है इसी के अंदर लिखना होगा जो आप लूप के बॉडी में डिफाइन करते थे उसी स्टेटमेंट्स को आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा अब इसके बाद यहाँ पर लिखना होगा गो टू लेबल नेम और सेमी कॉलन गो टू लेबल नेम गो टू लेबल नेम कहने का मतलब क्या लेबल नेम के पास जाओ इसका इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा ड्राई रन क्या कहेगा उस चीज को देखो लेबल नेम डायरेक्ट हम लेबल नेम में आ जाएंगे कैसे टू वाइल में डायरेक्ट आ जाते थे ना फर्स्ट टाइम कंडीशन से कुछ मतलब नहीं होता था तो डायरेक्ट लेबल नेम रीड करेगा ओके लेकिन इफ का बॉडी तो तभी ना एग्जीक्यूट करेगा जब कंडीशन क्या होगा हमारा ट्रू होगा अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और फिर क्या कहा गो टू लेबल नेम फिर लेबल नेम के पास जाओ फिर कंडीशन चेक करेगा फिर कंडीशन ट्रू है तो फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ओके अब इस सिंटेक्स का अगर एग्जांपल लिखना है अगर मुझे 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है तो आप यही लिखते थे फॉर लूप ध्यान दो आई इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 100 आई प्लस प्लस प्रिंट परसेंट डी बैक स्लैश टी या बैक स्लैश एन और आई के वैल्यू को क्या कर देते थे प्रिंट कर देते ओके एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं उसके अकॉर्डिंग को मैंने नाम लेबल नेम अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम दे दिया नेचुरल यहाँ पे कोलन साइन दे दिया मैंने ओके एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते हैं लेबल का लेकिन याद रहे अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफायर रूल अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफायर रूल
तो ध्यान दो, यहाँ पर मैंने लेवल नेम डिफाइन किया, ओके ठीक है। अब आप स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन पार्ट हमारा आई इक्वल टू क्या है, और तुम व्हाइल यूज करते हो तो व्हाइल में केवल कंडीशन ही ना देते हो, इंस्टॉलेशन पार्ट को व्हाइल के पहले ही ना लिखते हो। अगर इसको व्हाइल से मुझे बनाना हो तो हम तो आई इक्वल टू वन ऐसे लिखेंगे और व्हाइल में क्या देंगे, ओके आई प्लस, यही ना, यही चीज। देखो कैसे कितना आसानी से कन्वर्ट किया जाएगा। लेवल में आई इक्वल टू आई लेवल के पहले आई इक्वल टू क्या दे दिया, वन, ओके। स्टार्टिंग में आई का वैल्यू क्या है, क्योंकि लेवल नेम के अंदर तो बार बार ना ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीट करेगा। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इफ कंडीशन, सिंटैक्स देखो। मैंने बोला था कि जो लूपिंग का कंडीशन है वो इफ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या है कंडीशन, आई लेस देन इक्वल टू 100। जो लूप का मैंने बोला था कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा वो इफ का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बन जाएगा। क्या करेंगे, आई प्लस प्लस ना, बस बार बार इसको ट्रांसफर भेजने के लिए, जंप करने के लिए, क्या करने के लिए, जंप करने के लिए, गो टू लेवल नेम। लेवल नेम का नाम क्या है, नेचुरल, ओके। प्रोग्राम हमारा रेडी है, ट्राई रन करो। आई का वैल्यू वन, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट हम यहाँ पे लेवल नेम में आएंगे, ओके। लेकिन इफ कंडीशन चेक करेगा तभी आगे का ऑपरेशन होगा। चेक किया, फिर कंडीशन चेक हुआ, आई का वैल्यू क्या हुआ है, टू लेस देन इक्वल टू 100, यस कंडीशन क्या है, टू है। फिर इसका बॉडी एक्सक्यूट करेगा, टू प्रिंट करेगा, फिर आई का वैल्यू थ्री, गो टू लेवल नेम। यही प्रोसेस चलते रहेगा ना, ठीक है, 100 तक चलते रहेगा, और जैसे ही 101 हो जाएगा गो टू नेचुरल, यहाँ पर तो आएगा ही, लेकिन तुम ही बताओ 101 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन फॉल्स। अब तो इसका बॉडी एक्सक्यूट नहीं करेगा, इमीडिएटली हम क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड फॉल्स। अब तुम समझो कि एक सिंपल नेचुरल नंबर लिखने के लिए है। अब नेस्टेड लूप यूज करेंगे या कोई वैसा प्रोग्राम यूज करेंगे, या तुम फॉर्मेट बनाने के लिए तीन या चार लूप यूज कर रहे हो, अगर गो टू के द्वारा बनाना जाए तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, कॉम्प्लेक्स तो हो जाएगा। तीन लूप करने का मतलब तीन लेवल नेम डिफाइन करो, फिर उसको ट्रांसफर करो। अब एक ट्रेडिशनल मेथड हो चुका है, इसको हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन एक दो प्रोग्राम हम लोग बना लेंगे यहाँ पे। जैसे मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप वाले, क्या रहेगा, इसमें गो टू में लूप यूज ही नहीं करना है, प्रोग्राम हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस पे, क्योंकि अभी ब्रेक पे भी प्रोग्राम बनाएंगे हम, लेकिन रिटर्न लिखवा ही देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रोग्रामिंग बनाएंगे ना, क्योंकि ब्रेक पे भी एक दो प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे। कहाँ पे ब्रेक यूज करेंगे, रिटर्न कीवर्ड के बारे में।
फोर्थ है तुम्हारा रिटर्न, रिटर्न के बारे में। Return keyword. जैसे देखो तुम, मैं दो एग्जांपल लिख रहा हूं, अभी हम लोग के पास फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी हम लोग के पास फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन तुम देखते हो कि इन मेन स्टार्टिंग करली ब्रेस यहाँ पर लॉक, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक मैसेज लिख रहा हूँ प्रिंट वेलकम टू सी, ओके। अगर इंट लगा हुआ है तो लास्ट में क्या लिखते हो? रिटर्न जीरो, ओके। अब देखो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में मान लो कि हम रिटर्न टाइप का फंक्शन बनाए फाइंड सम, फाइंड सम नाम का फंक्शन है जो दो नंबर को सम करेगा। मैंने यहाँ पर लिखा है int a equal to 10, b equal to 20, sum। अब मैंने यहाँ पर लिखा sum equal to a plus b। फंक्शन किस पर्पस के लिए बनाए हो? दो नंबर को सम करने के लिए बनाए हो। रिजल्ट किस में स्टोर है? सम में ना, तो सम का वैल्यू रिटर्न करना चाहिए ना। तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देंगे? रिटर्न सम। ये parenthesis साइन ऑप्शनल होता है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। तो यही काम है रिटर्न कीवर्ड। नोट कर लीजिए इसको दोनों एग्जांपल को। तो इसका सिंटेक्स तो बस, अगर इसका सिंटेक्स अगर यूज करना है तो केवल आप ऐसे लिख सकते हैं रिटर्न, और यहाँ पर क्या वेरिएबल ही ना, वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं या कॉन्स्टेंट भी यूज कर सकते हैं, यही इसका सिंटेक्स हो जाएगा। प्रिंटेप लिखेंगे तो लास्ट में अगर इंट लगा दियो तो फिर लास्ट में रिटर्न जीरो लिखना पड़ेगा।
अब ये क्या है कि ये फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो कॉल करेंगे तो सम का वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। वो अभी आपको आगे समझ में आएगा जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। बस आप याद रखिए कि रिटर्न कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे फंक्शन में, रिटर्न टाइप फंक्शन बनाने के लिए। तो अब हम लोग प्रोग्राम पे प्रैक्टिस आप नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, नहीं अब इस पे कुछ प्रोग्राम बना लेंगे और इसके बाद फिर हम लोग एरे स्टार्ट करेंगे न्यू टॉप।